मैडम मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, आप देखना आगे आगे होता है क्या। वो ये होता है जो मंजूर है खुदा होता है। मैं ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे मीडिया पर बात नहीं करता हूँ, ज्यादा मैं ग्राउंड लेवल पर काम। सकलेन रशीद है, उनको इंसाफ मिला, उनका बाप को इंसाफ मिलना चाहे, उनका भाई को इंसाफ मिलना चाहे, उनका दूध का दूध पानी का पानी। साथ शाना बशाना खड़ा हूँ मैडम, वो मैं ऐसा लीडर नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का सिपाही हूँ। मैं सिपाही की तरफ जहाँ जहाँ जुल्म चल रहा है ये बबर शेर मिटा, उम्मीद है जे एंड के पुलिस पर, ये जो सकलेन रशीद साहब जानीगाम का रहने वाला, उनको परिवार को पूरा इंसाफ मिलेगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि जे एंड के पुलिस पर इसका दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएंगे। मैं सुबह सवेरे घर से निकला हूँ, सबसे पहले मैं SDPO साहब टंगमर्ग के पास पहुँचा, उसके बाद SHO साहब के पास पहुँचा, मैंने उनके साथ बात किया है। मुझे पूरा उम्मीद है जे एंड के पुलिस पर, ये जो सकलेन रशीद साहब जानीगाम का रहने वाला, उनको परिवार को पूरा इंसाफ मिलेगा। उनका पूरा जांच हो जाएंगे, उनका इंसाफ, उनका परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। अगर उनको इंसाफ नहीं मिल गया तो बबर शेर इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा जब तक इनको इंसाफ हक इंसाफ मिल जाएगा। पुलिस अपनी तरह से जांच कर रही है, मैंने DSP साहब के साथ बात किया है, SHO साहब के साथ भी बात किया है, उनके पास और भी आला हुकाम है, उनसे मैं भी गुजारिश करना चाहता हूं, जो सकलेन रशीद है उनको इंसाफ मिला, उनका बाप को इंसाफ मिलना चाहे, उनका भाई को इंसाफ मिलना चाहे, उनका दूध का दूध पानी का पानी अलग होना चाहिए। जो DSP साहब ने बोला, SHO साहब ने बोला, मुझे लग रहा है जो उन्होंने बताया, मुझे पूरा यकीन है जो उन्होंने बात बताई उस पर वो पूरा फोकस करेंगे, और काम करेंगे। वक्त पे इंसाफ ना मिला तो मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ मैडम, वो मैं ऐसा लीडर नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का सिपाही हूँ। मैं सिपाही की तरफ जहाँ जहाँ जुल्म चल रहा है ये बबर शेर ये मिटाते रहेंगे, ये बबर शेर कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सकलेन रशीद, ये हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, इंशाल्लाह मैं पूरा इंसाफ दिलाऊंगा उनका परिवार में के साथ। मैं शाना बशाना खड़ा हूँ, जितनी भी जनगाम के लोग हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगा उनको अल्लाह ताला सेहत सलामत रखे। और मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ का जो जनगाम का युवा है, मुझे पूरा उम्मीद है इस बात पर वो ध्यान देंगे, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे अच्छे कारनामा करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जो बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो उससे बाज आ जाएंगे। जब तक कश्मीर धरती पर बबर शेर जिंदा है, तब तक मैं जनगम के युवाओं के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूँ। मगर सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ मांगो, मेरे लिए दुआ मांगो, जो जंग लड़ रहा हूं मैं, ये जंग जीतना चाहता हूं। मैडम मैं इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं, आप देखना आगे आगे होता है क्या। वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। मैं ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूं, मैं ऐसे मीडिया पर बात नहीं करता हूं, ज्यादा मैं ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूं, आगे देखेंगे बबर शेर ने क्या किया। मैंने वादा दिया इनको, मैं इनके परिवार के साथ शाना बशाना खड़ा हूं, मैं उनको इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक इनको इंसाफ मिल जाएगा।